नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। न्यूजीलैंड के खिलाफ बैंगलोर टेस्ट में टीम इंडिया को मिली हार के बाद से बीसीसीआई ने कई बड़ा फैसले लिए। दरअसल आपको बता दें कि बीसीसीआई ने पहले टेस्ट मैच के बाद हैरान कर देने वाला फैसला लेते हुए वॉशिंगटन सुंदर को न्यूजीलैंड के खिलाफ बाकी बचे दो टेस्ट मैचों के लिए टीम इंडिया में शामिल किया। भारतीय टीम में पहले ही चार स्पिनर्स मौजूद हैं, ऐसे में पांचवें स्पिनर से जुड़ने से फैंस भी हैरान रह गए। ऐसे में बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल और कुलदीप यादव पहले ही सीरीज के लिए चुने जा चुके थे और अब वॉशिंगटन सुंदर भी टीम के साथ जुड़ गए। रिपोर्ट्स की माने तो सुंदर को भारत की बल्लेबाजी में बड़ी चिंताओं के कारण टीम में शामिल किया गया। शुभमन गिल गर्दन में अकड़न, ऋषभ पंत घुटने में चोट और केएल राहुल के निराशाजनक प्रदर्शन से टीम इंडिया थोड़ा सा परेशान है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर की अगुवाई वाली टीम मैनेजमेंट का अनुरोध था कि वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जाए और वो पुणे में पहला टेस्ट मैच खेल सकते हैं। 25 साल के वॉशिंगटन सुंदर इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश टी20 सीरीज का हिस्सा थे। उन्होंने 2021 में प्रसिद्ध बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डेब्यू करने के बाद अब तक 4 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच उसी साल अहमदाबाद में इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में खेला था। 4 टेस्ट मैचों में वॉशिंगटन सुंदर ने 265 रन बनाए हैं और 6 विकेट हासिल किए। ये कदम न्यूजीलैंड के खिलाफ बेंगलुरु में 3 टेस्ट की घरेलू सीरीज में 0-1 से पिछड़ने के बाद आया है। ये 1988 के बाद भारत में न्यूजीलैंड की पहली टेस्ट सीरीज में पहली टेस्ट जीत थी। भारतीय सरजमी पर 37 टेस्ट में सिर्फ न्यूजीलैंड 3 सीरीज जीत सका है। 3 स्पिनर रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव पहले से ही प्लेइंग 11 में मौजूद। ऐसे में कहा जा रहा है कि कुलदीप यादव को हटाकर वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया जा सकता है क्योंकि अश्विन को भी थोड़ा सा चोट की दिक्कत बताई जा रही है। वॉशिंगटन सुंदर के टीम में शामिल हो जाने से टीम में कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है और टीम में बैटिंग की भी डेप्थ बन सकती है। यही वजह है कि भारतीय टीम वॉशिंगटन सुंदर को अपने साथ जोड़ रही है। वहीं भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीतने के बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उसकी सीरीज जीतने की उम्मीद थी, लेकिन बेंगलुरु में भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। यही वजह है कि अब भारतीय टीम बचे हुए 2 मैचों में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। अब देखना होगा कि वॉशिंगटन सुंदर को क्या प्लेइंग 11 में जगह मिलती है या नहीं। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल एएनपी टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।